सारा जहां उसी का है, सारा जहां उसी का है, जो मुस्कुराना जानता है, रोशनी भी उसी की है, रोशनी भी उसी की है, जो समा जलाना जानता है, हर जगह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, लेकिन ईश्वर तो उसी का है, जो सर झुकाना जानता है। प्यारे मित्रों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल BRP जोन में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज का जो हमारा सफर है वह प्रयागराज के यमुना पार की ऐतिहासिक धरोहर भीटा में स्थित सुजावन देव मंदिर की है। यह मंदिर प्रयागराज शहर से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर स्थित भीटा बौद्धकालीन पुरा स्थल की है। यहाँ ओमकारा जैसी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। यह भीटा की पहाड़ी कई इतिहास समेटे हुए है। आपको हम अवगत करा दें कि सुजावन देव मंदिर हिंदुओं और बौद्धों के आस्था का बड़ा केंद्र रहा है। यह मंदिर यमुना पार की धारा के बीच पहाड़ी पर है। सतह से लगभग 100 फुट ऊंचे पत्थर के टीले पर है तथा यह मंदिर पर्यटन विभाग के नक्शे पर भी अंकित है। बता दें कि सुजावन देव मंदिर पर दिवाली के बाद भैया दूज पर्व पर यम द्वितीया का मेला लगता है। इसमें हजारों की भीड़ उमड़ती है और यहाँ बहुत दूर दूर से श्रद्धालु भक्तगण आते रहते हैं लगातार। और यहाँ पर हम आपको यहाँ की विशेषता बता दें कि हर वर्ष दिवाली के बाद 2 दिन का बड़ा और भव्य मेले का आयोजन होता है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं सीधा उस क्षेत्र में जहाँ पर यह मंदिर स्थित है। और आपको बता दें, आज भी यहाँ भ्रम की स्थिति उत्पन्न है कि मंदिर है कि बौद्ध धर्म है, सुजावन देव हैं। चलिए हम आपको ले चलते हैं अपने इस वीडियो में। हम लोग एक दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। अभी आपको वो मंदिर दिखाई दे रहा है, आपको दिखाते हैं यहाँ की छटा, बिल्कुल हसीन वादियों की तरह। यह भी क्षेत्र है, बहुत ही सुंदर अच्छा दृश्य है। और ये यमुना नदी, और हम लोग इस समय बिल्कुल सुजावन देव मंदिर, बहुत ही आप देख पा रहे हैं, सीधे कैमरा लगा हुआ है, बिल्कुल हम हटाएंगे नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं हटाएंगे। और आपको एक बिल्कुल सुंदर सा नज़ारा भी हम दिखाएंगे। बहुत ही मनोहर दृश्य है यहाँ का, सुंदर और विहंगम। आप देख पा रहे हैं कि ये पानी बिल्कुल हल्की हल्की सी लहरें चल रही हैं इसमें। बिल्कुल बाढ़ के समय में यहाँ पर जब आए थे तो ये मंदिर बिल्कुल थोड़ा सा बचा हुआ था और बिल्कुल डूबा हुआ, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तो यह है बाढ़ के समय की स्थिति, आप देख रहे हैं कि बिल्कुल छोटे से दिख रहे हैं यहाँ पर। और ये तस्वीर जब बाढ़ का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा था तब की है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ही बढ़िया और सुंदर नज़ारा। और आप देख रहे हैं जो सामने वो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, कुछ बना हुआ है कालम जैसा, लोगों के बैठने की व्यवस्था वहाँ पर की गई है, तो वह सब डूबा हुआ था बारिश के समय में। तो चलिए अभी हम आपको इस मंदिर के अंदर की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। तो यह जो तस्वीर है, बिल्कुल बैक साइड से आप देख रहे हैं सीधा वो जो मंदिर दिखाई दे रही है बिल्कुल ऊपर, और वहाँ एक वृक्ष भी है। और यह वृक्ष देख रहे हैं, वहाँ मृदा की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल चट्टानों को चीरता हुआ ऊपर लहराता हुआ बिल्कुल निकला हुआ है। और ऐसा प्रकृति में ऐसी घटना बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलती हैं। तो सुंदर सा नज़ारा यहाँ पर देखने को मिला है, आप देख पा रहे हैं कि जस्ट ये यहाँ कुछ मछुआरे आप देख रहे हैं मछली भी पकड़ रहे हैं, बहुत आनंद। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लगातार कुछ श्रद्धालु लोग आ जा रहे हैं, अभी भी आप देख पा रहे हैं कुछ लोग दर्शन करके जा रहे हैं। ये भाई लोग इस समय दर्शन करके आ रहे हैं। और ये प्रसाद तो आपको हम दिखा रहे हैं, यह यहाँ का दृश्य है। देख रहे हैं कितना चहल पहल, बड़े ही फुल मस्ती में यहाँ पर समझ में आ रहे हैं मित्र लोग।
और हालांकि वर्ष में जो 12 महीने होते हैं, एक महीने के लिए तो लगातार भीड़, लेकिन उसके बावजूद जो शेष दिन हैं उसमें भी लोग यहाँ आते जाते रहते हैं, कभी आवागमन बंद नहीं होता है। हम ले चलते हैं माननीय हरिओम सर के पास और आपको अवगत कराएंगे यहाँ के बारे में, कुछ आपको अभी जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं कि यह जो क्षेत्र है वह आपके प्रयागराज से 20 किलोमीटर दूर एक जो है गांव है, जी सर, कहते हैं भीटा, और के बारे में देख चुके हैं सर ने आपको दिखाया। ये जो है यमुना के किनारे स्थित है, और यमुना से करीब जो है आप लोग 100 फीट ऊपर आएंगे तो यह जो है आपका स्थल जो है। ओके सर, ओके सर। तो हमारे साथ में मौजूद हैं माननीय मनोज सर, तो हम जानना चाहेंगे मनोज सर से यहाँ के बारे में कि अपने विचार व्यक्त करें। मैं यहाँ पे कई बार आ चुका हूँ और बार बार आने की इच्छा भी करता है यहाँ पर, और ये स्थान बहुत ही सुंदर है और यहाँ काफ़ी भीड़ भी लगती है, चाहे कोई पर्व का समय हो या फिर बिना पर्व का समय हो, लोग आते जाते रहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि अशोक सर भी कुछ अपने विचार व्यक्त करें यहाँ की सौंदर्यता के बारे में। जी सर, बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों से जो है मैं यहाँ आना चाहता था, लेकिन पास में होने के वजह से भी जो है कई बार आए लेकिन इस मंदिर तक नहीं पहुंच पाए। अपने सर, साथियों के द्वारा मैं सुन रखा था कि यह मंदिर जो है पूरा स्थल पूरा तत्व के सर्वेक्षण में भी था, और यहाँ पर जो शिवलिंग के रूप में पूजा की जाती है, यह बुद्ध की मूर्ति है। 5 मूर्तियों का जो है एक ही जो है लिंग, मतलब लिंग का आकार में एक पत्थर में 5 तरफ से 5 तरफ से बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है। वो अपने मुद्रा में बैठे हुए हैं, आपको सर जी अवगत करा। और नागेश्वर से हम जानना चाहेंगे कि वो भी थोड़ा सा वर्णन करें यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता के बारे में। भीटा मेला तो बहुत आए थे, पर इस मंदिर में पहली बार हम आए हैं और यहाँ की सुंदरता देखकर बहुत मन खुश हुआ, और यहाँ की नदी की जो धाराएं हैं वो देखकर बहुत आनंद की प्राप्ति हो रही है, और ठंडी ठंडी हवाएं, बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर। तो हम राजेश सर से यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता के बारे में अब जानना चाहेंगे कि अपने कुछ विचार कहें मानी राजेश सर। बहुत बहुत थैंक यू सर। मित्रों, यह बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह भीटा ग्राम सभा में स्थित है। आए तो हम भी कभी नहीं है यहाँ पे, लेकिन आज पहली बार आए हैं। जी सर, जी सर। हमने सुन रखा था यहाँ भगवान शंकर की मूर्ति है, लेकिन आने पे पता चला, साक्षात हमने देखा कि यहाँ तो भगवान बुद्ध की 5 मूर्तियाँ हैं, एक ही शिवलिंग आकार में 5 मूर्तियाँ बनी हुई हैं, और बहुत ही सुंदर स्थल है। यह मंदिर यमुना के बीचों बीच धारा में स्थित है। यहाँ पर यमुना नदी दो धाराओं में बढ़ती हैं, जो इस समय एक धारा बांध दी गई है, एक ही बची है। और अशोक सर यहाँ के दृश्य के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। जी सर, देखिए आपको दिख रहा होगा जहाँ की मेरा उंगली जा रही है, सर जी वहाँ पर कैमरा ले जाएंगे, देखेंगे कि वहाँ पर बुद्ध की ये मूर्ति बनी हुई है। साफ नहीं नजर आ रहा है शायद, देखिए यह बुद्ध की एक मूर्ति देखिए आप दिखाई दे रहा है यहाँ पर। उसके बाद अगला ये दूसरी मूर्ति भगवान बुद्ध की ही है, एक ही जो है पत्थर में। फिर देखेंगे आप तीसरी मूर्ति भगवान बुद्ध की है। आप इस तरह से 5 मूर्ति जो है इस लिंग आकार में, जो कि हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार बुद्ध का जो है यह है, लेकिन हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार इसको शिवलिंग का आकार दे दिया गया है यहाँ पर जलोल। जी सर ये दिनों से हमने जो है गूगल पर भी सर्च कर रखा था, अपने साथियों से भी सुना था, मूर्ति बना हुआ है इस प्राचीन मंदिर में, यमुना जी के बीच में जो है स्थित है। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हम लोग इस समय बिल्कुल एकत्रित हैं और इस मंदिर पर बिल्कुल पूरी तन्मयता से, पूरे श्रद्धा भाव से उपस्थित हैं। हम अपने बीच में मौजूद माननीय हरिओम सर से चाहेंगे कि वो व्याख्या करते हुए कुछ अपने शब्दों में आपको जानकारी दें। माननीय हरिओम सर। जी सर, मैं जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारा सभी से यही आग्रह है कि
कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपको इसी प्रकार के नए ताज़ा तरीन वीडियो जो है देते रहें। और यह जो क्षेत्र जहाँ पे हम लोग आए हैं यह ज़्यादा दूर नहीं है, यह हमारे इलाहाबाद से दक्षिण में 20 किलोमीटर पर स्थित यह स्थान है। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप जो है वीडियो के माध्यम से इसको देखें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जी सर बिल्कुल, जिससे हम आपको नए नए वीडियो पूरे अपने क्षेत्र का और पूरे प्रयागराज का, और आपका सपोर्ट, आपका प्यार हमेशा इसी तरह से मिलता रहेगा। तो एक तरीके से मैं भारत भ्रमण का पूरा हर जगह का बनाकर आपको जरूर उसका दर्शन कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, एंड इसी तरीके से आप हमको सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।